अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कार सन चैनल। व्यूवर्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑडी A6 एग्जीक्यूटिव क्लास, जो कि कम्पीट करती है मर्सिडीज़ ई क्लास या BMW की जो 5 सीरीज़ है। पर ऑडी A6 कम प्राइस में उनसे डबल फीचर्स ऑफर करती है। सो ऑडी A6 की प्रोडक्शन 1994 से ही स्टार्ट हो गई थी। अभी तक इसके टोटल 4 जनरेशन आ चुके हैं, लेकिन आज मैं आपके लेकर आया हूँ इसकी जो 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन ऑडी A6 की प्रोडक्शन 2011 में स्टार्ट हो गई थी एंड 2015 में इसको फेसलिफ्ट भी मिला था। फेसलिफ्ट में इसके फ्रंट हेडलाइट एंड रियर टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था और इसके इंजन में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स कर दी थी। और ये ऑडी A6 आती है 4-डोर सेडान और 5-डोर स्टेशन वैगन में। ऑडी के रेयर साइड पर एक बैच दिया जाता है जिसको हम TFSI भी कहते हैं। सो TFSI का मतलब है टर्बो फ्यूल सर्टिफाइड इंजेक्शन। ये ऑडी की एक टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोगों को पावर वगैरह भी अच्छी खासी प्रोवाइड करेगी, फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाएगी। सो आज जो हमारे सामने ऑडी A6 खड़ी है, सो ये है 4th जनरेशन ऑडी A6 फेसलिफ्ट वाली 2017 मॉडल है, एग्जीक्यूटिव क्लास है और बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, इसमें कोई पेंट वगैरह नहीं मिलेगा। तकरीबन 59,000 ड्रिवन है और ये ऑडी A6 फॉर सेल भी है और लिस्टेड है कारनावा के पास। इनकी लोकेशन है पेशावर रिंग रोड पर अशनी चौक के पास। तो डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स वगैरह भी ऐड कर दूंगा, तो आप चाहे इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो इन गाड़ियों के जो लोग डिमांड करते हैं वो तकरीबन 150 से लेकर 170 तक डिमांड करते हैं, आजकल की जो डॉलर की प्राइसेज है और जो आजकल जो हमारी इकोनॉमी की हालात है। तो अगर बात की जाए इस गाड़ी की डिमांड की, तो इसकी जो डिमांड है वो 150 की जा रही है, बात वगैरह हो सकती है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल ऐड कर दूंगा, तो आप चैन से ओनर से फिर बात कर सकते हैं। रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल कार साउंड के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल कार साउंड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मैं बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी रिव्यू आप लोगों से मिस ना हो सके। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द रिव्यू। यह है 4th जनरेशन ऑडी A6 फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। अब फेसलिफ्ट वाली प्री फेसलिफ्ट से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है एंड फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा रिच है। इसके फ्रंट बोनट के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्ट लाइन्स प्रोवाइड की गई है जो कि इसके फ्रंट हेडलाइट तक कंटिन्यू है और इसके नीचे लगा है 1.8 लीटर टर्बो इंजन। फ्रंट साइड पे प्रोवाइड की गई है ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल जो कि कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ है। इसमें इसका ऑडी का लोगो भी मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा भी इसमें प्री इंस्टॉल आता है। फ्रंट साइड पे प्रोवाइड की जाती है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर मैट्रिक्स हेडलाइट्स, इनमें कॉर्निंग लाइट्स भी है, डे टाइम रनिंग LEDs भी है, साथ ही इसमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर प्रोवाइड किया जाता है। इसके नीचे वाली साइड पे हेडलाइट वॉशर्स आते हैं और इसके फ्रंट बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अलबत्त इसमें कोई फॉग लैंप्स वगैरह नहीं दिए जाते। तो ऑडी की जो फ्रंट लुक प्रोवाइड की जाती है वो इसकी जो पूरे गेम चेंजर है वो इसकी जो सिग्नेचर ग्रिल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो कुछ इस तरह की फ्रंट साइड की लुक प्रोवाइड की है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये ऑडी A6 प्रॉपर डी सेगमेंट की कार है और ये कम्पीट करती है मर्सिडीज़ ई क्लास या BMW की जो 5 सीरीज़ है। पर ये ऑडी A6 कम प्राइस में उनसे डबल फीचर्स ऑफर करती है। इस ऑडी A6 में एयरमेटिक सस्पेंशन का भी ऑप्शन है। इसमें प्री इंस्टॉल 18 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं जो कि 10 स्पोक में है। फिर 245/45 R18 के यहाँ टायर प्रोफाइल मिल जाएगा। ABS हर चीज़ इसमें स्टैंडर्ड है। साइड स्कर्ट्स इसमें प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर मिल जाएंगे रिट्रैक्टिव पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर अवेलेबल है। विंडोज के अराउंड 360 कंटिन्यू क्रोम का भी यूज किया गया है, पर इसमें कोई सनराइजर्स वगैरह नहीं आते। इसके जो विंडोज है ये टिंटेड आप लोगों को मिल जाएंगे, साथ ही इसमें सनरूफ भी आता है जो कि एक हाईलाइटेड सा फीचर है। और सबसे मेन हाईलाइटेड फीचर ये है कि इसके जो डोर हैंडल्स ये क्रोम में ही है। स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन है विद सॉफ्ट लॉक जो कि आप लोग एक हाई सा फीचर मिल जाता है, जो कि चारों ही डोर हैंडल्स में आप लोगों को सेम ही फीचर मिल जाता है। इसकी जो क्वार्टर ग्लास है ये भी टिंटेड आप लोगों को मिल जाती है। और ये ऑडी A6 आती है 4-व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इस साइड प्रोफाइल पे प्रोवाइड की गई है। मेरे हिसाब से जो इसके स्मार्ट एंट्री के साथ जो सॉफ्ट लॉकिंग वाला फीचर है वो आप लोगों को सिर्फ S क्लास में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि ऑडी अपने A6 लाइन में भी ये फीचर आप लोगों को प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल की लुक प्रोवाइड की गई है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोडेड है।
रेयर लुक की बात की जाए तो यह है ऑडी S6 की फेसलिफ्ट वाली रेयर लुक। जब इसको फेसलिफ्ट कर दिया था तो कंपनी ने इसके टेल लाइट्स की डिज़ाइन चेंज कर दिया था। अब इसके जो टेल लाइट्स है ये कंप्लीट LEDs के साथ आती है। इसके रूफ के ऊपर सेंटर में शार्क फिन एंटीना लगा है जो कि अमूमन जर्मन गाड़ी में लगा रहता है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप जो कि LEDs के साथ है। इसके जो रेयर विंड स्क्रीन है ये डिफॉगर के साथ है और टेंटेड भी है। तो यहाँ पर ऑडी का लोगो मिल जाएगा और इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा आता ही है। और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे A6 की बैजिंग दी है, थोड़ी सी क्रोम गार्निश मिल जाएगी। राइट साइड पे 35 TFSI की बैजिंग इन्होंने यहाँ पे दी है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये LED लावा लाइट्स है और आप लोगों को ये कंप्लीट LEDs के साथ मिल जाएगी। और फेसलिफ्ट के बाद इसका डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। इसके बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि इसके फ्रंट बम्पर में भी आप लोगों को मिल जाते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी है आउटस्टैंडिंग, और इसमें आप लोगों को डुअल एग्जॉस्ट भी मिल जाते हैं क्योंकि ये ऑडी की A6 है तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ इस तरह की रेयर लुक प्रोवाइड की गई है ऑडी A6 की। इंटीरियर की बात की जाए तो ऑडी A6 एग्जीक्यूटिव क्लास में प्रोवाइड किया जाता है ब्राउन विद बेज कलर इंटीरियर, जबकि इसके बिजनेस क्लास में ब्राउन इंटीरियर प्रोवाइड किया जाता है। दोनों ही वेरिएंट्स में अच्छा खासा वुडन का भी यूज़ किया है। फीचर्स के लिहाज से भी ऑडी A6 बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। जैसे कि यहाँ पर मिल जाएगा ऑडी का 4-स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील जो कि लेदर स्टिचिंग के साथ है। इसमें एयरबैग भी है, साथ ही इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है। इसके राइट स्पोक से आप मल्टीमीडिया कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसके लेफ्ट स्पोक से आप स्पीडोमीटर को नेविगेट कर सकते हैं। चूंकि ये जर्मन कार है तो इसके राइट साइड पे इसके वाइपर के कंट्रोल्स हैं और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर इसके इंडिकेटर्स और इसके नीचे वाली साइड पे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे AC वेंट्स के अराउंड उन्होंने यहाँ पे मैट सिल्वर का यूज़ किया है, साथ ही यहाँ पे वुडन का भी यूज़ मिल जाएगा। और उसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पे हेडलाइट की स्विच है, हेडलाइट में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का भी फीचर है, हेडलाइट वॉशर्स है, मीटर की ब्राइटनेस को आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस ऑडी A6 में सिल प्लेट्स भी प्रोवाइड की गई है, अलबत्ता यहाँ पे कोई बैजिंग वगैरह नहीं दी। और इसके जो डोर कार्ड्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और लोडेड भी है। यहाँ पे डुअल टोन कलर का भी यूज़ किया है और प्योर लेदर का यूज़ मिल जाएगा। ऊपर वाला जो एरिया है ये ब्राउन कलर में है। यहाँ पर मैट सिल्वर का यूज़ किया है, मैट सिल्वर के यहाँ पे डोर हैंडल्स है, डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें मेमोरी सीट्स का भी ऑप्शन है और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, दो लोग अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वार्निंग लाइट है जो कि रेड कलर के हैं। और इसके जो साइड मिरर्स हैं उनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर आता है, आप इसकी एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके जो साइड विंडोज़ है ये भी ऑल ऑटो फंक्शन के साथ आती है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर भी है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा और उसके नीचे वाली साइड पर आप ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। फिर से स्पीकर है, स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की है, एक छोटी सी रेड कलर की लाइट भी है। इसके जो सीट्स हैं ड्राइवर और पैसेंजर वाली दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है और विद लंबर सपोर्ट है। और इसमें एयरबैग भी आता है। इस ऑडी A6 में टोटल 8 एयरबैग्स जो है ना ऑफर किए जाते हैं। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर हमेशा से ही ऑडी के सिंपल्स होते हैं। ये इसकी रिमोट की है जिसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपनर का बटन दिया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन गियर के लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो स्पीडोमीटर के लेफ्ट साइड के ऊपर टेम्परेचर है, उसके बाद RPM है, सेंटर में TFT डिस्प्ले है और उसके राइट साइड पे 300 का स्पीडोमीटर है और फ्यूल का बता रहा है। TFT डिस्प्ले में मल्टी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शो करेगी, जैसे कि अगर आप लोगों की अगर ऑयल ड्यू है वो भी इसमें शो करेगा, जैसे कि ऑयल चेंज अभी ड्यू है, अभी इसका डोर ओपन है। उसके बाद हम एक एक चेक करेंगे, डिजिटल स्पीडोमीटर है। उसके बाद हम इसके जो कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने कोई सॉन्ग प्ले किया है तो उसके ट्रैक वगैरह भी यहाँ पर शो करेगा। अभी एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की है। अगर आप लोग देखें तो इसमें और इन्फॉर्मेशन भी शो हो रहा है, ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, एफिशिएंसी प्रोग्राम है, डिजिटल स्पीडोमीटर, क्रूज कंट्रोल, रिड्यूस डिस्प्ले, ये तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोग इस डिस्प्ले में शो हो जाएगी। आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल माइलेज इसकी 54,000 है और इसके जो स्पीडोमीटर है वो 10, 20, 30, 40 के साथ है। तो एक ज़बरदस्त फीचर है और 300 तक ये स्पीडोमीटर कंटिन्यू है और ये रेड लाइनिंग के साथ है। अभी डैशबोर्ड की बात की जाए तो आप लोगों को पता है जर्मन कार है तो हर चीज़ इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना उसके काफ़ी जो है ना कम साइज़ में है अगर आप लोग देखें। और ये जब आप गाड़ी को स्टार्ट
और ऑफ़ करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है, और आप इसको मैन्युअली भी जो है ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल बटन भी दिया है, सेंटर में हैज़र्ड का बटन है, दो इसी वेंट्स है, ये बटन की मदद से आप स्क्रीन को जो है ना फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को ऑडियो के मल्टी मीडिया यहाँ पे सीडी चेंजर दिया है, और साथ ही इस ऑडियो 6 में डिजिटल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी प्रोवाइड किया है, पार्किंग सेंसर्स का बटन है, और पिछला वाला जो शेड है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑडियो 6 आती है सीओटी ट्रांसमिशन के साथ विद टिप्ट्रॉनिक गियर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होल्ड, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया है जो कि गियर के लेफ्ट साइड के ऊपर है। और अगर आप लोग देखें तो गियर के आगे वाली साइड पे भी कुछ चीज़ें हैं, इसके मुख्तलिफ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह दी है। आप इस डायल की मदद से मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा भी। तो अभी इसमें क्या शो हो रहा है, इंफॉर्मेशन है कार के रिलेटेड, जब इसको प्रेस करेंगे तो इसमें जो है हमारे पास कम्फर्ट और ऑटो डायनेमिक और इंडिविजुअल में आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, तो ये फंक्शंस आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं। बाकी इसके टेलीफोन और ये चीज़ें नॉर्मल सी प्रोवाइड की गई है, और आप इसी डायल की मदद से इसको आप कंट्रोल करेंगे। इसमें बैक कार ये चीज़ें तमाम बटन्स दिए हैं, यहाँ पे एशरे और सिगरेट लाइटर दोनों ही प्रोवाइड की है, और अच्छा खासा यहाँ पर वुडन का यूज़ किया है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पे फिर से 2 कप होल्डर्स है, और इसका जो आर्मरेस्ट है ये भी काफ़ी ह्यूज साइज़ में है, और आप इसको जो है ओपन क्लोज जो है ना हर एंगल में कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो इसके जो साइज़ है वो भी अच्छा खासा है, प्योर लेदर का यूज़ किया है। ये इसका ग्लव बॉक्स है, बिल्कुल मर्सिडीज़ के स्टाइल में है, उसका भी आप लोगों को इस तरह का ही मिल जाता है। अगर आप लोग देखें तो हर चीज़ की क्वालिटी जो है ना आउटस्टैंडिंग है, आप लोग देख भी सकते हैं। इसमें ऑटो डिमिंग मिरर का भी ऑप्शन दिया है, जो कि स्पोर्टेज वगैरह में भी आता है। यहाँ पर इसके लाइट्स वगैरह दी है, सनरूफ के कंट्रोल्स दिए हैं, और यहाँ पर कुछ स्पीकर्स वगैरह भी यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो SOS यहाँ पे काम नहीं करता, ये इसके सनग्लासेस होल्डर है। वैनिटी मिरर्स ड्राइवर पे साइड पे भी है, और ऑटो लाइट के साथ ही है। इसमें LED लाइट का यूज़ किया है, और मेरे ख्याल पैसेंजर वाली साइड पे बिल्कुल यहाँ पे भी ऑटो लाइट का यूज़ किया है, जो कि LEDs के साथ है। और इसमें सनरूफ भी आता है, नॉर्मल सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबली है। आप इसको टिल भी कर सकते हैं, ओपन क्लोज अपने मुताबिक कर सकते हैं जो आप चाहें, तो ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी सीट्स की बात की जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, इसमें टोटल 8 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, और ये लेदर के साथ सीट्स हैं, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त आप लोगों को ये फीचर्स मिल जाते हैं। अब रेयर कैबिन स्पेस की बात की जाए तो वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। अभी ये प्रॉपर डी सेगमेंट की गाड़ी है, तो इसकी जो रेयर कैबिन है यानी रेयर पैसेंजर के लिए, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसमें प्राइवेसी कर्टन जो है ना ये भी दिए हैं, जो कि मैनुअली है। ये इसके मैट सिल्वर के साथ डोर हैंडल्स, यहाँ पे एशट्रे दिया है। इसके जो साइड विंडो ये ऑटो के साथ है, स्टोरेज कंपार्टमेंट, यहाँ पे स्पीकर्स भी दिए हैं। और अगर आप लोग देखें तो इसके जो सीट्स हैं ये 3 हेडरेस्ट के साथ है, यहाँ पे फिर से स्पीकर्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ पे जो है ना प्राइवेसी कर्टन भी आती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है। और ये इसका आर्मरेस्ट आ गया, अब इसको जो है ना इसमें कप होल्डर्स का ऑप्शंस भी दिया, आप इसमें बोतल या कप वगैरह भी रख सकते हैं जो आप चाहें। तो यहाँ पे जो है ना 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि सेंटर में एक हफ्सा है। और इसमें आता है डिजिटल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हर पैसेंजर अपने मुताबिक जो है ना टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं AC वेंट से, तो एक ज़बरदस्त सा फीचर्स आप लोगों को इसमें मिल रहा है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, हर चीज़ की क्वालिटी, हर चीज़ की जो चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़बरदस्त प्रोवाइड्स की हैं। और इसके पिलर में भी AC वेंट्स प्रोवाइड किए हैं, तो हर जगह जो है ना AC वेंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। बट इसकी कैबिन स्पेस बहुत ही अच्छी खासी है। ट्रंक को ओपन करते हैं, अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे खुद ब खुद ओपन हो जाएंगी, लेकिन आपको इसको बंद करना खुद ही होगा। जैसे सिविक में भी आजकल ये ऐसा ही आ रही है, यहाँ पर अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया है। इसके ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो अच्छी खासी ट्रंक स्पेस है, यहाँ पे इसके कवर्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, हिंजेस के ऊपर कवर लगे हैं। और अगर आप लोग देखें तो पॉकेट्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं, आप इसमें चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ पे हैलोजन बल्ब भी प्रोवाइड की गई है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटीरियर वाइज ये ODA6 बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, अच्छे खासे फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। तो अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन चेक करवाना चाहता हूँ। इंजन की बात की जाए तो ODA6 मॉडल्स में बहुत से इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि 1.8 लीटर टर्बो से लेकर इसमें 3 लीटर सुपर चार्ज V6 तक इंजन ऑप्शंस
अवेलेबल है। इस वक्त इस ऑडी A6 2017 में लगा है। ऑडी का इनलाइन फोर सिलेंडर वाला टर्बो इंजन जो कि तकरीबन 1800 सीसी होता है, ये आती है टिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ, यानी आप इसको ऑटो और मैनुअल में भी चला सकते हैं। प्रोड्यूस करती है 177 हॉर्स पावर और ये ऑडी टेक्नोलॉजी के साथ है जो कि है TFSI, जिसको टर्बो फ्यूल सर्टिफाइड इंजेक्शन भी कहा जाता है। फ्यूल एवरेज आप लोगों को ये 10 to 12 प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपके चलाने पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया है, जिससे इस इंजन की हीट भी कम हो जाती है और जो साउंड भी डैम्प्ट हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोलिक शॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, तो एक पावरफुल इंजन हमें मिल रहा है और फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को अच्छी मिल रही है, हालाँकि ये 1800 सीसी टर्बो इंजन है। अच्छा, तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोगों को ये 2017 ऑडी A6 फेसलिफ्ट वाली? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं जाना।